आज एक ट्रेंड चला हुआ है, आज आप लोगों का जो के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, आज का जो ये लेक्चर है उन तमाम फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है। आपने पढ़ाई पूरा किया, आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, या आपने टेक्निकल पूरा कर लिया, आपने कुछ भी पूरा कर लिया और उसके बाद आपको जॉब की जरूरत है और किसी वजह से आपको जॉब नहीं मिल पा रहा, ठीक है, किसी वजह से आपको जॉब नहीं मिल पा रहा, तो अब इसमें क्या करते हैं? जब जॉब नहीं मिल पाता है तो हम मायूस होते हैं, हमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें पैसे की जरूरत है, अगर पैसे नहीं होंगे तो फिर हम आगे काम नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह का सिचुएशंस आप भी फेस कर रहे हैं कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, सीएस कर लिया, कंप्यूटर साइंस कर लिया, या फिर गवर्नमेंट की जॉब के लिए बहुत कोशिश किया, किसी वजह से नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, तो हमें क्या करना चाहिए, आज मैं इसी पे बात करूंगा। अगर जब हम देखते हैं कि इस तरह की कंडीशंस आती है तो हम उस तरफ हमारा झुकाव होता है जो लोग ये कहते हैं कि मैं आपको 100% जॉब दिलाने में आपकी मदद करूंगा, ठीक है। यही वह समय है जहां एक चीट जो है, यानी एक धोखा हमें खुला इनवाइट करता है कि आओ और मुझे पैसे दो, आओ मैं तुम्हें लूटने के लिए तैयार हूं। तो अगर आप इस चीज को, आज मेरे इस बात को समझ लेंगे तो आपको दूसरा, पहला काम क्या होगा, फायदा क्या होगा कि आपको जॉब भी मिल जाएगा, और दूसरा फायदा क्या होगा कि आप कभी भी किसी के शिकार नहीं हो, कभी भी किसी के ऊपर आप मोहताज मत रहिए, किसी के ऊपर भरोसा इतना मत करिए जितना कि मतलब नहीं जरूरत हो सकता है। अक्सर क्या होता है, सर जॉब प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपने देखा होगा कि मैं जितने लोग होते हैं, बहुत से लोग ये क्वेश्चन मुझे करते हैं कि सर इस कोर्स को करने के बाद जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड वो कॉलेज करता है, वो कंपनी करती है, या फिर वो संस्थान करता है। तो मैं जहां तक मैं अपनी बात बताऊं, मेरा सीधा सा एक जवाब होता है कि मैं कोई जॉब प्लेसमेंट आपको नहीं दे पाऊंगा, मैं कोई भी जॉब प्लेसमेंट की गारंटी आपको नहीं दूंगा। हाँ, मैं जो आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, जो आपको बताने की कोशिश करूंगा वो बहुत परफेक्ट होगा, उसकी गारंटी दे सकता हूं। लाइफ टाइम अगर कोई दिक्कत आए तो आप आके सीख सकते हैं, आप कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप ये कहते हैं कि सर आप मुझे जॉब देंगे, सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल स्पेशली फॉर मी, मेरे लिए तो संभव नहीं है। हाँ, बहुत से लोग आपको वादा करते हैं, कैंपस सिलेक्शन का दावा करते हैं, बेशक, लेकिन वह कितना सच्चाई है अपने इस, जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है, 30 वर्षों का एक्सपीरियंस है, उसमें हम लोगों ने सीख लिया है कि क्या सही है और क्या गलत है। और बिल्कुल जो नया कैंडिडेट होता है वो फंस तो जाता ही जाता है। तो अब पहला काम आपको ये करना है कि हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। जब मैं ये कहता हूं आपसे कि मैं जॉब आपको नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको जॉब नहीं दिला पाऊंगा, मर्जी पढ़ाई करिए, मर्जी मत करिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, तो उसी दिन आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि मुझे और मेहनत करना है। दूसरी बात, अगर हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि हम लाखों लोगों को पीछे छोड़ सके तो आपको जॉब नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला। हाँ, मैं मानता हूं कोई दिक्कतें आती हैं, अभी जैसे 2 साल का कोरोना का टाइम चला, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो गया, बहुत से लोगों की जॉब चली गई, जॉब नहीं मिल रहा, कुछ दिक्कत कारण वजह है, कहीं पे कोई आंदोलन चल रहा है, कहीं पे कोरोना का चल रहा है, कहीं कंपनियां कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, पेमेंट कहां से देंगे, आपको पैसे की जरूरत है और कंपनी को भी पैसे की जरूरत है, तो कंपनी इस समय रिस्क नहीं लेना चाहती, ना तो वो मटेरियल की लॉस चाहती है, न तो अपने कंपनी का रेपुटेशन लॉस करना चाहती है, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब करना क्या है आपको, सीधा सा, अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, आप एक बार सेल्फ एनालिसिस करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि आपके अंदर वो क्या चीज है, वो कौन सा ऐसा हुनर है जिसमें आप परफेक्ट हैं। देखो, हर आदमी के पास एक दो रास्ते होते हैं, एक तो तैयारी करते रहिए गवर्नमेंट जॉब की, अगर तैयारी कर रहे हैं तो,
या प्राइवेट में भी जाना चाहते हो तो उसकी जहां पे आपका एम है, जो आपका एम्बिशन है, उस पे तैयारी करते रहिए, फोकस। लेकिन उसके साथ एक साइड का जरूर रखिए कि अगर ये नहीं मिला तो मैं ये काम करूंगा और मेरी अर्निंग शुरू हो जाएगी और फिर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मैं कोशिश करता रहूंगा। तो करना ये तीन बातें आपको ध्यान रखना। पहली बात, किसी के ऊपर मोहताज मत होइए। कोई अगर आपको कहता है कि जॉब दिलाएंगे, वो कभी जॉब नहीं दिलाएगा आपको, ये बहुत क्लियर बात है, आपको उन लोगों से सावधान हो जाना है। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि मैं जॉब दिलाऊंगा, इसके बदले में इतने पैसे लूंगा, उनसे भी आप सावधान हो जाइए। और एक शब्द क्वेश्चन पूछिए, मैं आपसे डायरेक्ट कह रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, आखिर क्या चीज है कि जो जॉब नहीं मिलेगा, जो दूसरे जॉब कर रहे हैं वो जॉब मुझे क्यों नहीं मिलेगा? अगर मेरे अंदर वो एबिलिटीज है तो कंपनी आपको नॉक करेगी सर, एक बार नहीं हजार बार नॉक करेगी और पूछेगी, वेयर आर यू सर, कहां है सर, प्लीज ज्वाइन अस, हमें ज्वाइन कीजिए, कितनी सैलरी लेंगे, हाउ मच सैलरी सर, ये कंपनी पूछेगी आपसे। कब? जब आपकी वैल्यू बनेगी तब। अब जब आपकी वैल्यू ही नहीं बनेगी तो फिर कोई नहीं पूछने वाला, फिर रिश्वत देने की कोशिश करिए जॉब का, कहीं ना कहीं आप शॉर्टकट अपनाइए तो फिर परेशानी तो होगी। तो कभी भी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर मत होइए, पढ़ाई अच्छे तरीके से करिए, सीखिए, इस पे इन्वेस्ट करिए, अपने सीखने पे इन्वेस्ट करिए, अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट करिए, अपने आप को बेहतर बनाने पर इन्वेस्ट करिए, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट करिए और इंटरव्यू दीजिए। इंडिया की तो छोड़ दीजिए, बाहर की कंपनियां भी आपको फ्री वीजा देकर ले जाएंगी, और एक नहीं हजारों एग्जाम्पल हमारे पास है और मेरे स्टूडेंट्स गए हैं। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि भाई अब तो कोई किसी ने वादा किया आपको दे देगा, सर किसी को फुर्सत नहीं है, सबको अपना अपना काम है, कोई आपके लिए जॉब दिलाने के लिए नहीं बैठा हुआ है। बहुत सीधी सी बात है, बहुत लोगों को मेरी बात समझ में आएगी जो वास्तव में सच्चाई के साथ चल रहे हैं और रियल में जीना चाहते हैं। उन लोगों को बहुत बुरा लगेगा जो लोग एक भुलावे की दुनिया में जी रहे, एक भ्रम में जी रहे। तो जरा सोचिए, करना क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। हम लोग सेफ्टी फील्ड से हैं तो हमेशा ये सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जब तक कंपनियां रहेंगी तब तक आपकी जॉब रहेंगे, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक आपकी पूछ होगी, लेकिन आपको साबित करना होगा, आपको साबित करना होगा। गवर्नमेंट में भी देखिए इतना ज्यादा कंपटीशन है, उस कंपटीशन को अगर आप पास नहीं करते हैं तो नहीं मिलता है। कंपटीशन के बाद उसके बाद भी रिजर्वेशन है सर, अगर उसमें रिजर्वेशन भी मिल गया, अगर आपको रिजर्वेशन भी मिल रहा है उसके बाद भी कंपटीशन आप पास नहीं कर रहे, सोचिए क्या कंडीशन होगा। तो इससे कहीं ज्यादा टफ होगा आपका प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा सैलरी है प्राइवेट सेक्टर में, हर एक सुविधा भी है लेकिन सबको नहीं है सर, सबको ये सुविधा नहीं मिलती। उन्हीं लोगों को मिलता है जो वास्तव में ब्रिलियंट है, जो वास्तव में एक्सीलेंट है। अब एक बनेंगे कैसे आप, कोई आपको नहीं बनाएगा सर, कोई ब्रिलियंट नहीं बना सकता, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ब्रिलियंट बनेंगे या घर पे बैठेंगे या अपने किस्मत को कोसेंगे, यार मेरे पास तो हुआ नहीं, अपने टीचर को कोसेंगे, कॉलेज को कोसेंगे, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला सर। बहुत सीधी सी बात है, आप अपना काम खुद करिए और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, उधार की जिंदगी जीना बंद कर दीजिए। जब तक उधार की जिंदगी आप जिएंगे, जब तक बैसाखी का सहारा लेके जिएंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। अगर मिल भी गई किसी के धक्का देने से या कोई शॉर्टकट अपनाने से, अगर मिल भी गया सर तो काम आपको माफ नहीं करेगा, काम आपको कभी भी माफ नहीं कर, काम तो करना ही पड़ेगा। और अगर काम आप नहीं कर पाएंगे उसी दिन आपका पूरा पोल खुल जाएगा कि आपने कुछ नहीं सीखा, आपने कोई पढ़ाई नहीं किया, आपके हो सकता है कि फिर ध्यान जाए कहां पे, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया वो भी फेक हो, जो आपने एक्सपीरियंस लगाया है वो भी फेक हो, क्योंकि आप वो काम कर ही नहीं पा रहे हो। तो कहानी क्या होगी, अगर जांच शुरू हो गई तो फिर एक नई कहानी बनेगी और वह कहानी ऐसी बनेगी सर कि फिर आपकी जांच शुरू होगी। अगर फेक निकल गया तो फिर जेल का रास्ता खुल जाएगा, पैसे तो नहीं मिले, जेल के रास्ते खुलेंगे और फिर उसके बाद से जो कहानी बनेगी आप समझ सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपको आगाह करना है, आपको जॉब लेना है। देखिए दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं है सर, अगर छोटी शुरुआत हो रही तो अच्छा करिए। जॉब में मन नहीं लगता है, एक छोटा सा बिजनेस ही स्टार्ट करिए, लेकिन बिजनेस शुरू करिए सर, और निश्चित रूप से मैं कहता हूं आपकी आमदनी बढ़ेगी,
आज 2 रुपया कमाऊंगा, कल डेफिनेटली मैं कुछ दिन बाद 10 रुपया कमाऊंगा। ये 10 को मैं 1000 में बदलूंगा, 1000 को मैं करोड़ों में बदलूंगा, करोड़ों को अरबों में बदल सकता हूं सर। ये सारा खेल इसका है सर, यहां से ये खेल है। यहां से अगर आप मजबूत हो गए तो फिर दुनिया आपकी होगी, और यहां से अगर कमजोर हो गए तो सिर्फ सब लोग क्या करेंगे, सब लोग पिछवाड़े पे लात मारेंगे और बोलेंगे आई एम सो सॉरी, सब लोग बोलेंगे सर। क्योंकि जो असफल हुआ है, जो किसी काम लायक नहीं है फिर भी वो कोशिश नहीं करता है, उसे तो लोग केवल जो है उसे इग्नोर ही करेंगे, उसकी कोई पूछ नहीं मिलेगी, कोई उसे कोई पूछेगा नहीं, कोई इज्जत नहीं है। पैसे कमाओ, जॉब से कमाओ, बिजनेस से कमाओ तो पैसे मिलेंगे। आई होप मेरा मकसद यही था कि आपको बताना पहला, फिर मैं जाते जाते बता दे रहा हूं, कभी भी आप फेक जॉब के पीछे ना पड़े, किसी के पीछे ऐसे ना पड़े कि भाई मुझे जॉब दिला देगा, इतना पैसा दे दूंगा, कोई नहीं दिलाएगा सर। अपने पैसे को बचाइए, जो सीखना है अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए और सीखिए। आई होप उसके बाद कुछ ही दिन बाद जो रिजल्ट आएगा ना, फिर आप कहेंगे किसी ने कहा था। वीडियो बनाने का मकसद यह है, हजारों स्टूडेंट्स देखते हैं, लाखों देखते हैं, अगर ये बात उन तक जाएगी कम से कम वो किसी ट्रैप में फंसने से बच जाएंगे। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सर।